सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सीएम हेमंत सोरेन सीधे प्रोजेक्ट भवन से निकल रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे हम लोग इस बंदी को गति देने के लिए जो बेहतर और कारगर उपाय होंगे उसको करेंगे। उसके तहत आपने देखा, पहले हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में छूट दी, उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं उसमें कई शर्तों के साथ उसको भी खोलने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। लगभग 30-33% के लोगों की जो कार्य क्षमता हो उसी हिसाब से लोग वहां कार्य करें, ऐसे आदेश निर्गत हुए हैं। इस तरीके से हालात को भी ध्यान में रखते हुए और राज्य को गति देने की दिशा में भी दोनों पहलू पर हम लोग काम कर रहे हैं और अभी धीरे धीरे आगे और निर्णय लेने हैं और भारत सरकार के भी कई दिशा निर्देश होते हैं, उसके अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लगातार एक कड़ा रूप अख्तियार कर रहे हैं, मतलब आगे क्या फर्दर प्लानिंग है कि जो जांच का आदेश दिया गया है पिछली गवर्नमेंट के टाइम पर कुछ नजर बढ़िया गल जो गलत है तो उस पर तो जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप ही बताइए। बिल्कुल इसमें कोई संकोच नहीं है, ना कोई किसी तरीके का हमें हिचक नहीं है इस काम को करने में और बिल्कुल आने वाला समय में सरकार पूरे राज्य को एक बेहतर दिशा देने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने जरूरी होते हैं, उन निर्णयों के साथ हम आगे चलेंगे। सर, कई स्टेट में ये हुआ कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त अधिकारी हैं या नेता हैं उनके संपत्ति को जब्त किया गया, उसमें स्कूल खोला गया या इस तरह के जो जनता से रिलेटेड काम है वो हुए, सरकार कुछ प्लान कर रही है क्या अगर साबित होता है तो इस तरह? अभी तो पहला प्लान कि हम लोग कोरोना के संक्रमण से बाहर आए, जो दहशत है उससे हम लोग बाहर आए, बचेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे, पहले उस पर हम लोग विजय पा लें, बाकी चीजें तो विजय हासिल होना अपने हाथों में। अब जब हवाई जहाज से मजदूर आ गए तो कुछ लोग, कुछ पार्टियां ये कह रही हैं कि अरे दूसरे का क्रेडिट सरकार ने ले लिया। अब देखिएगा, अब कल परसों भी हवाई जहाज आएंगी और उसमें भी मजदूर आएंगी और उसमें भी आप मजदूरों से ही पूछ लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा, हमसे मत पूछिए। ये पर्टिकुलर धनबाद की संदर्भ में आप कह रहे हैं तो मैं इसकी संज्ञान आपके माध्यम से लेता हूं और इसकी जानकारी ले रहा हूं। अब क्या करें, इतने चैनलें आ गई हैं कि कितने चैनलों को देखूं, 24 घंटा टीवी के सामने बैठूंगा तो फिर आगे काम क्या कर पाऊंगा, इसलिए संज्ञान में। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात अगर आपने देखी है तो उसका संज्ञान सिस्टम लेगा और उस पर कार्रवाई करेगा।